आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। हेमंत सोरेन का कड़ा फैसला, सीआईडी के एडीजी अनुराग गुप्ता सस्पेंड। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। विवादों में रहे झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के निलंबन पर मुहर लग गई है। अनुराग गुप्ता पर 2016 के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है, उन पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप है। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री के पास उनके खिलाफ कार्रवाई की फाइल बढ़ाई थी, इस पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है, हालांकि फाइल विभाग को अब तक वापस नहीं हुई है। यह माना जा रहा है कि सरकार का रुख सख्त है और इस आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई तय है। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता वर्तमान में सीआईडी के एडीजी हैं। इन पर विशेष शाखा के एडीजी रहते हुए वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है। इस मामले में 2018 में जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। हेमंत सरकार बनने के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि एडीजी अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई तय है। विभाग ने दो दिन पहले ही कार्रवाई से संबंधित फाइल सरकार को भेजी थी। उधर अनुराग गुप्ता का कहना है कि उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है और किसी प्रकार की कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी उन्हें नहीं है। आजाद सिपाही में अभी बस इतना ही, देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।